काम का तो अभीड़ी बजावा अभीड़ थे चिंता ही मत करो भीड़ मेंग नहीं गिड़का हूँ घने 40 किलोमीटर मेंग नहीं गिड़के देव जी मेंग नहीं थे चिंता ही मत करो नहीं मत प्रश्न से ठोको अमनाड़ा तो थोड़े दिन भर तो काम करे रात नहीं को दे हैरान है तकियो और फिर घर करे जो कोई लेनो और कोई देनो कब्रो करे दही कुने कई स्थिति है देखता को तो आज पटक पटक जीव ही काट दिनो है। लोहावट धर्मार्थ और परमार्थ ट्रस्ट में आगाज टीम द्वारा डीसा में तो मारवाड़ी की आदत प्रूढ़ी मारी आगाज टीम द्वारा इस वाचनालय के शुभारंभ के अवसर पर आपने बीच में उपस्थित हमारे फड़ोदी के अति लोकप्रिय विधायक ए लोकप्रिय के ना अति लोकप्रिय मोहन ने मोहन जी रोल बधाई है और भी समारोह के अध्यक्ष अध्यक्षता को तो आज पटक पटक जीव ही काट दिन समारोह के अध्यक्ष भाई देवेंद्र बूढ़िया जी हमारे समाज के आईपीएस समाज के गौरव डीआईजी कैला चंद्र जी खीचड़ साहब भाई अरविंद कड़वासरा जी आरपीएस रिटायर्ड आरपीएस सोन जी सियाग साहब केशुराम जी डॉक्टर साहब आपने बीच उपस्थित आपरी अटेरी प्रधान बहन गीता ओम प्रकाश जी राव आपरा स्थानीय सरपंच सत्यनारायण जी राव और सभी लोट आस पास पधारुड़ा सभी किसान भाइयों शिक्षक बंधुओं युवा साथियों और छात्र छात्र आज लौट के वास्ते बहुत ही बड़ा मुबारक मौको आगाज टीम भाई अभिषेक ने रंग तमाम टीम ने मैं धन्यवाद देनी चाहूं कि लौट छात्र के मेले में भी यह बात आई कि छात्रा ने समाज के छात्रा ने कोचिंग मिलनी चाहिए जिस तरह आप भामाशाह के द्वारा हूँ पप्पू राम जी डारा ओपी जी दायल अंग मार्फत हूँ बेटी कोचिंग काम लंबे समय जोधपुर मत चले हो सांचौर में भी कोचिंग को काम चले लौट में भी लोगों की मांग ही सात्री में भी यह बात चर्चा हुई विदिनी भी कहो भाई सात्रावास बाबा राम जी साहब बात करा वांगे ट्रस्ट है वांगे बात करा सात्रावास ने खाली करावा और एड कोचिंग नई पीढ़ी ने लाभ मिलना चाहिए समाज का गरीब बच्चा ने लाभ मिलना चाहिए। आज भाई अभिषेक आपके आगाज टीम ने लारी वीडे ने उठायो और जिन तरह परमार्थ और धर्मार्थ ट्रस्ट बहुत ही जिन तरह बाबा राम जी आप पूरा सहयोग दिया कमरा खाली करने की बात बहुत ही सकारात्मक सोच हूँ एमएलए साहब से की बात करें एमएलए साहब की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहूँ मौके मत के शानदार वो वीडियो उठायो निश्चित रूप समाज की नई पीढ़ी ने फायदो मिली समाज आगे बढ़ी नौजवान पीढ़िया ने इन फायदो मिली इन वास्ते आप रो ट्रस्ट रो और भाई अभिषेक रो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने चाहूँ और शिक्षक साथी जितने बार बार बात आवे भाई आगाज टीम तो कार्य काम शुरू कर दी लेकिन बाद में जो कोई को काम अपन चलाना पड़ी वो मोहन जी तमाम आगे टीम है मनोहर जी मार साहब ओम जी तमाम आगे टीम है धर्मेंद्र तमाम टीम है आने भी मैं यही मौके मत कहनी चाहूँगा काम बहुत खंडे गुदार हुए काम बहुत मजबूती उत्थन करना पड़ी बहुत जिम्मेदारियों काम करना पड़ी इन वास्ते वो बीड़ो उठायो इन बीड़े ने जितो सहयोग समाज को अपील करनी चाहूँ और भी आप मौके मौके मत आ रहे जितो सहयोग हो सहयोग करा इन जो बीड़े ने उठायो है इन बीड़े ने हमेशा अपन आगे बढ़ाणो इन वास्ते आप शिक्षकों को भी अपील करनी चाहूँ जिस तरह पर्यावरण के संबंध में बीड़ो उठायो सत्यनारायण जी बार चर्चा कराया पर्यावरण अभ्यारण की बात करे भी मौके भी बात माते मैं शिक्षक तमाम टीम ने धन्यवाद देने चाहूँ शानदार थे रचनात्मक काम करो और गुरु महाराज जी को आपने रस्तो बतायो गुरु महाराज जीवन के पालन के वास्ते रस्तो बतायो भी मत है शानदार काम करो और काम अंजाम थे दियो इन वास्ते तमाम मोहन जी तारी शिक्षक टीम ने मैं धन्यवाद देनी चाहूँ और मैं सात्री में भी घोषणा करी हिरणा के पानी के पीने वास्ते मैं थारे बार अतिशीघ्र कंटीजेंस में हथवा ट्यूबवेल बना दूँ ताकि पानी की तमाम व्यवस्था में थरबट कर दूँ अभी मैं सात्री में भी बात करी इन वास्ते जिन तरह लौट की बात आवे लौट सभा विष्णु समाज को हृदय इम कोई दो राय नहीं
हिंदुस्तान में डीआईजी साहब सबों ज्यादा बिश्नोई राजस्थान में है, राजस्थान में सबों ज्यादा बिश्नोई है, जोधपुर जिले में है, जोधपुर जिले में सबों ज्यादा बिश्नोई है, लोट और फलोदी में राजधानी है बिश्नोई समाज की। इन वास्ते हाथ में कोई दो राय नहीं कि धर्मशाला को काम पप्पा राम जी शुरू करियो, स्वर्ग माला राम जी को सपनो जिन तरह माने आज जो तीन साल पहला राजस्थान की विधानसभा में जाने को मौको मिले, साधारण बिश्नोई परिवार हूँ, जन्म ले मेरे परिवार में कोई वार्ड पंच नहीं हो, साधारण बिश्नोई के परिवार हूँ, राजस्थान की विधानसभा में जो जाने पड़ो समाज में जो जिन तरह मैंने सहयोग दिए भी समाज को सहयोग कर दी मैं भूल नहीं सकूँ आगे भी। माला राम जी के दो शब्द, एक तो कॉलेज खुलना चाहिए सरकारी, दूसरों शास्त्री को मिंद्र शानदार बनना चाहिए। माला राम जी बार लास्ट अंतिम अंतिम माला राम जी की मांग ही अंतिम, पहले बजट में मैं सरकारी कॉलेज की घोषणा कराई मुख्यमंत्री जी, पहले बजट में जो जाटावास में काम शुरू हो गया है, कॉलेज चालू हो गया। दूसरी शास्त्री की बार चर्चा शास्त्री में करिए, पप्पा राम जी साहब आपने भी इन सहयोग करना है, वो भी काम आपन करना पड़ी क्योंकि गांव में छोटा छोटा मंदिर गांव में बन गया, छोटे छोटे गांव में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बन गया है, आज लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आवे, इन वास्ते बहुत बड़ी मेहती आवश्यकता है, शास्त्री काम आपन हाथ में लेना पड़ी। दूसरी भी सपनों हो और भी सपने ने मेरी जगह जिम्मेदारी ही मेरो जगह कर्तव्य हो, बाप गीता बहन थार हमें बेटी है वो मेरो कर्तव्य, वो भी मैं पूरा करियो, डोकरे को जो सपनों हो वो भी मैं कर्तव्य पूरा करियो। और शिक्षा की जगह जिम्मेदारी मन मिली राजस्थान की विधानसभा में जाने के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम करने को प्रयास करियो, मैं शिक्षा ने फोकस मानर काम करियो। डीआईजी साहब 25 परीक्षा केंद्र खोला है मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, अपन मनसा है गांव में ढाणी में बच्चा परीक्षा 12वीं तक की परीक्षा बटी दे सके, बोर्ड का सेंटर खुला दी ना 25 जगह बटी छोरिया है जो 12वीं की परीक्षा दे सके, कोई बार शहर में नहीं जानो पड़े, कोई कमरो किराए लेना नहीं पड़े, कमरो किराए दही कुण कई स्थिति है, इन वास्ते 25 परीक्षा का केंद्र खोला है। अलावा दूसरो बहुत बड़ो फैसलो है, आज तक को इतिहास है राजस्थान की राजनीति को इतिहास है, काम के विकास की बात करें खूब विकास करें, विकास का काम ही मौका मत समाज के मत मत में ज्यादा नहीं गिनानी चाहूँ, अगर गिनाऊ पूरा काम तो 3 घंटा लागे, सब लोगों ने वापस भी जानो है। शिक्षा की मैं बात राजस्थान के इतिहास में 1-5 साल के कार्यकाल में 2 कॉलेज में छोरियों को कॉलेज बार मुख्यमंत्री जी और घोषणा करा दी, लौट में छोरियों कॉलेज, छोरों को कॉलेज अलग, लड़कियों को कॉलेज अलग, सब मैं अधिकारी ने कह दिन है सब पुलिस स्टेशन को काम हाईवे में ले जा, और मेरो प्लान है कि पुलिस थाने के मैं छोरिया को कॉलेज खुलावा ताकि छोरिया आवासीय भी रह सके, गरीब छोरिया अटे भी रह सके, वो मेरो प्लान है। इन वास्ते शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम कर रहा, अनाप शनाप स्कूल कर्मोन्नत कराई, शिक्षा को आज जगह दो दो आपा कॉलेज खुलाया, इंगो रिजल्ट आना 20 साल में बाद में मिली देवेंद्र जी, 20 साल बाद रिजल्ट आया, चाड़ी में पुराने स्कूल पुराने जमाने में चाड़ी स्कूल, आज एडीएम रिटायर हो रही है, ब्राह्म जैसी धाम बेटा है, सब ज्यादा कोई शिक्षा है तो बात चाड़ी में क्योंकि बात पुराने स्कूल लौट ही सब ज्यादा नौकरी पैसा का लोग लौट भी पुराने स्कूल ही, आज अपा ढाणिया में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराइए, लौट में 2-2 कॉलेज खुलाया है, अंग्रेजी स्कूल खुला रहा जगह जगह 900 बच्चा अंग्रेजी स्कूल खुलाई लोट हेडक्वार्टर में लौट रही हूँ, 900 बच्चा पट रही है, 900 बच्चा भाई लॉटरी खोलनी पड़ी है सरकार ने, इन वास्ते कोई कोर कसर नहीं, 7 अंग्रेजी स्कूल चालू कर दिया, 8-10 स्कूल और मेरा प्लान है कि लोट विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल खुलावा ढाणिया में, ताकि ढाणिया में वो परिवार जब शिक्षा वेला, आज आने वाले समय में छोरियों को कॉलेज खोलने को मतलब है आने वाले 15-20 साल बाद में बिश्नोई समाज की एक ही लड़की थारे बीए कम नहीं मिले था, एक ही लड़की हो दी नहीं ला दिला बीए को, 20 साल बाद में एक रिजल्ट आई, 20 साल बाद एक प्लान ने ले रहा पा काम करा, इन वास्ते आप सब लोगों ने मौके मत भरोसा और विश्वास दिलावा, खूब शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, समाज आगे की गर बढ़ सके, समाज को उत्थान की गर हो सके, आज वो थे काम हाथ में लियो है, निश्चित रूप में काम ने छोरा ने जो कंपटीशन की तैयारी करे निश्चित रूप में फायदों मिली, इन वास्ते आप सब लोगों ने मौके माते ट्रस्ट के अध्यक्ष जी एमएलए साहब ने तमाम आगे टीम ने
आगाज भाई अभिषेक तमाम टीम ने जो को काम हाथ में लियो ये काम ने निश्चित रूप में आपस तमाम ये प्रधान जी आपकी घोषणा करी है तमाम जनप्रतिनिधि बेटा है तमाम समाज का अगुआ लोग बेटा है आज मैं अपील करनी चाहूँ ज्यादा ज्यादा ये सहयोग करना है ट्रस्ट पूरी धर्मशाला पूरी छात्रावास MLA साहब थान सौंप देनी है ज्यादा ज्यादा सहयोग करना ताकि समाज में प्रतिभा आगे बढ़े निश्चित रूप आप IPS आपने बीच में बैठा IAS आपने अबार परी बहन आपने बोले ही वर्चुअल IAS है वास्ते समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं मेरे जेड़ो साधारण विष्णुई को बेटो साधारण किसान को बेटो MLA राजस्थान की विधानसभा सकारात्मक सोच रखो सकारात्मक सोच रखो समाज के नौजवान में अपील करनी चाहूँ सकारात्मक सोच रखो क्योंकि आज IT को जमानो है देश में बहुत तेजी देश आगे बढ़े चकाचौंध को जमानो है IT को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई शिक्षा अपने कहने कम है इन वास्ते टेक्नोलॉजी को कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी माते 10 कमेंट सकारात्मक कमेंट लिखो सकारात्मक तो थर 10% नंबर हला आई थे परीक्षा में 10% और नकारात्मक कमेंट लिखो तो 10% नंबर कम आई मैं या कहनी चाहूँ इन वास्ते सकारात्मक सोच रख दिन में 10 आदमी आगे प्रशंसा करो दिन में 10 आदमी आगे प्रशंसा करनी ही को 10 आदमी आगे अपने आप आपके दिमाग में थर परिवार में फली फूली परिवार में फायदे हो 10 आदमी की प्रशंसा करो नियमित प्रशंसा ठोको और कमेंट भी पक्ष में लिखो कमेंट भी पक्ष में लिखो अमनाड़ा तो हो दिन भर तो काम करे रात ने को दे हैरान है तकियो और फिर घर करे जो कोई लेनो और कोई देनो कोई लेनो और देनो कोई बेटा बाप इतने मत करो ए व्यवस्था है समाज की गरिमा खराब है MLA साहब ने कहा है गलत कमेंट ये मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जम्बेश्वर भगवान ने कहा चोरी निंदा झूठन भरजू गलत कोर्ट कमेंट्स का मतलब निंदा है इसलिए गलत कमेंट्स कभी मत करो ये कमेंट्स पूरी दुनिया देखती है अपने समाज की हल्की लगती है ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन अब अभी समाज का जगह 363 हरिनांग वास्ते शहीद हो गया अमरता देवी के नेतृत्व में भी समाज का हाँ आमना बेर बीच भी रूंगड़ा का छोटा हाँ इन वास्ते आज नहीं टेक्नोलॉजी आई है पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी 363 वर्ष वास्ते एक समाज का लोग खत्म हो गया लोग इन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा फायदे लो कभी समाज को पूरे देश में दुनिया में प्रचार क्यों करो रह सके 363 हमारे समाज का शहीद होया प्रचार क्यों करो सके एड़े काम में बांगो टेक्नोलॉजी को आपने फायदे उठाना चाहिए इन वास्ते आप सब लोगों ने क्योंकि पढ़ाएगी शिक्षा बहुत महत्व आवश्यकता है आने वाले समाज में बापा खेती कर लोग गाँव में रहा ढाणिया में रहा जमीन में पानी खत्म हो रही है जमीन में पानी खत्म हो रही है आने वाले समय में शिक्षा ही बुनियाद वेला जीव को उपार्जन की शिक्षा ही बुनियाद वेला आज छोरा छोरी पढ़ रहा हो परिवार में को जीवन स्तर सुधरी परिवार को जीवन स्तर सुधरी समाज को जीवन स्तर सुधरी समाज को सुधरी इलाके को जीवन स्तर सुधरी आप लोगों ने ये मौका बधाई कहनी चाहूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा काम का तो अभीड़ी बजावा अभीड़ थे चिंता ही मत करो थे तो मार मत आशीर्वाद रहा क्यों काम का अभीड़ हूँ घड़ाई बजाऊ आई मैं पूंजी चैनानी अभीड़ बजाऊ अभीड़ मेघना ही गिड़का हूँ घड़ाई अब आठान ठा लोट ले दे सु 40 किलोमीटर रोड बनाई मैं अटे कर दे चु हम जाए जो मेघ नहीं गिड़के देव जी मेघ नहीं थे चिंता ही मत करो इतने 300 किलोमीटर सड़कों को काम चले स्कूल कॉलेज खोला रिया सड़क कर्म करा रिया 113 पंचायत में 103 पंचायत में घर घर पानी लावा 85 पीढ़ की टंकी बनावा 85 पीढ़ की टंकी इन वास्ते कोई चिंता मत करो सब पानी की मीठो पानी लिया वहाँ बच्चा के वास्ते आने वाले समय में आप तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करो सरकारी नौकरी मिलनी कोई जरूरी नहीं है अगर आपके ने शिक्षा हुई रोजगार खोलो खुद को धंधो खोलो कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी में आज सांचौर का बाड़मेर का लोग दक्षिणी भारत में भूल गया बहुत आगे बढ़ गया आप इन वास्ते आपा ने भी उद्योग धंधा छोटे मोटे रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ क्योंकि जमीन में पानी खत्म हो रही है इन वास्ते आप सब लोगों ने मौके मत कहनी चाहूँ कि तो दूसरी बात अबार जगह सब पूर्व वक्ता MLA साहब क्योंकि ट्रस्ट का अध्यक्ष है MLA साहब जगह मांग करिए अबार में बाथरूम में यो तो बात जमीन पूरी देख है यो इम कितना होल दो एक होल बड़ी तो दोनों होल बात जितनी जमीन है बीम दो होल बने चाहे तीन बने मैं मेरे कोटे में दे दूँ आलीशान होल बना दी बीम आलीशान पंखा हमें और दूसरो इंटरलॉकिंग करना पूरी में इंटरलॉकिंग करना ताकि बच्चों के वास्ते मिट्टी है पूरी इंटरलॉकिंग बना दा और भी काम आगे बढ़ाइयो बिन बताते रहियो समय समय मत समाज के वास्ते कोई सीमा नहीं है
कोई अमाउंट फिक्स नहीं है समाज के वास्ते, सब जो कुछ है वो आपको ये आलीशान ही छात्रा वास ने भी बनाए दो भरोसा और विश्वास रखो, जो अध्यक्ष जी जो आदेश दे पूरी आलीशान में बना दू ने आप तो देंगे पूरा केयर राखनी है, इसको मोटिवेशन राखनो है और आप अपने पूरी ध्यान राखनी है, सब वरिष्ठ जो को समाज का गांव का लोग बैठा है, बाबू जी है, केसरी चंद जी है, सब लोग बैठा है, राहुल जी है, सब लोग बैठा है, सब पूरा ध्यान राखनो है और बच्चा ने आगे बढ़े इनको फायदा ज्यादा ज्यादा मिल सके आगा जड़ जो नौजवान है। अभिषेक जी ने एक बार पुनः मैं हमारी तरफ बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, डी आई जी साहब आपको समय निकाल दो की धरती मत पधरा यही वास्ते अध्यक्ष जी ने सब लोगों ने मैं हमारी तरफ बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, धन्यवाद जय।